देखिए उन लोगों के पास एक ही छड़ी है और एक ही हथियार है जिसका नाम है हिंदू मुसलमान का, और मोहन गुप्ता के नाम पर हिंदू मुसलमान होने वाला नहीं है। इसलिए कहीं कोई लड़ाई नहीं है, सारे मतदाता एकजुट होकर हमें आशीर्वाद दे रहे हैं और हमें जिता रहे हैं। 1977 से लेकर के और 2004 तक महागठबंधन के ही लोग जीते आए हैं। आपको इतिहास पता करना चाहिए, 77 में राधिका गुप्ता जीती थी, उसके बाद काली पांडे जो है हम लोगों के समर्थन से जीते थे। लगातार समाजवादी विचारधारा के लोग हर हम लोग एक साथ मिलकर एक गठबंधन बनाकर यहाँ से जीतते आए हैं। तो अब ये सब होने वाला नहीं है। विकास, रोजगार, दवाई, कार्रवाई, पढ़ाई, आप देख रहे हैं किस तरह से हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी लगातार छापेमारी कर रहे हैं उन जगहों पर जहाँ गरीबों का जो हक मारा जा रहा है। आज आप तो देख ही रहे हैं, 600 करोड़ का पैकेज मिला हमारे गोपालगंज जिला को, इतिहास में पहली बार 33 करोड़ का अभी बजट आया। सदर अस्पताल में 100 बेड का बनने जा रहा है अत्याधुनिक हॉस्पिटल, जो अभी शायद नॉर्थ बिहार में अभी नहीं है। तो काफ़ी यहाँ पर ध्यान दिए हैं हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी। बिहार में दो होना है, एक मुकामा तो दूसरा गोपालगंज। मेरी मौजूदगी अभी गोपालगंज में है, महागठबंधन की तरफ से जो है मोहन प्रसाद गुप्ता चुनावी मैदान में है और लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बात करेंगे साथ में हमारे सर। सर क्या कुछ लोगों का समर्थन मिल रहा है, लोगों से मिल रहे हैं, बताइए। भारी समर्थन मिल रहा है और महागठबंधन महाकुंभ जैसा दिखाई पड़ रहा है। इसमें राजद, जेडीयू, कांग्रेस, माले, सीपीआई, सीपीएम और हम, इन तमाम 8 पार्टियां हम लोग एक साथ हैं और हम लोग के सामने एकमात्र एक पार्टी है, बीजेपी है। तो आप समझ सकते हैं कि वोट का समीकरण, वोट का जो बिखराव था वो आज किस तरह से मजबूती के साथ एक साथ जुटा हुआ है। तो कहीं लड़ाई नहीं है, भारी समर्थन, भारी प्रेम, स्नेह और अपार जो है प्यार मिल रहा है। देखा जाएगा तो जो बसपा की तरफ से है इंदिरा यादव उतर रही हैं लगातार, साधु यादव जो हैं वो ताल ठोक रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार हम ही जीतेंगे। अब तो आप हम मतदाता से जाके पूछिए कि मतदाता क्या बोल रहे हैं, कहीं से किसी का कहीं कोई पता नहीं है। यादव से ले पूरा हमारी पार्टी ए टू जेड की पार्टी हो चुकी है, इसमें सभी धर्म, सभी समुदाय, सभी लोग सम्मिलित हैं। और लगातार बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम 4 बार से जो है विधायक बन रहे हैं, हमारे जो नेता थे वो 4 बार से विधायक बन रहे हैं, तो उन्होंने विकास खूब किया है गोपालगंज में, जो है तमाम चीज़ें जो है वो पूर्व जिस तरीके से विधायक थे सुभाष सिंह उन्होंने की। देखिए उन लोगों के पास एक ही छड़ी है और एक ही हथियार है जिसका नाम है हिंदू मुसलमान करना, और मोहन गुप्ता के नाम पर हिंदू मुसलमान होने वाला नहीं है। न वो लोग हिंदू गेम खेल सकते हैं, न मुसलमान गेम खेल सकते हैं। इसलिए कहीं कोई लड़ाई नहीं है, सारे मतदाता एकजुट होकर हमें आशीर्वाद दे रहे हैं और हमें जिता रहे हैं। चुनौती कितनी है क्योंकि लंबे समय से जो है महागठबंधन के कोई नेता यहां से जीत नहीं पाए। 1977 से लेकर के और 2004 तक महागठबंधन के ही लोग जीते आए हैं। आपको इतिहास पता करना चाहिए, 77 में राधिका गुप्ता जीती थी, उसके बाद काली पांडे जो है हम लोगों के समर्थन से जीते थे। लगातार समाजवादी विचारधारा के लोग हर हम लोग एक साथ मिलकर एक गठबंधन बनाकर यहाँ से जीतते आए हैं। तो अब ये सब होने वाला नहीं है, अब 20 वर्षों तक महागठबंधन का ही शासन और राज और विधायक यहाँ होने वाले हैं। एजेंडा क्या रहेगा आपका? विकास, रोजगार, दवाई, कार्रवाई, पढ़ाई, आप देख रहे हैं किस तरह से हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी लगातार छापेमारी कर रहे हैं उन जगहों पर जहां गरीबों का जो हक मारा जा रहा है। अस्पताल में छापेमारी हो रही है, 2 बजे रात में जाकर देख रहे हैं। तो मेन है पढ़ाई, दवाई, सुनवाई और कार्रवाई, तमाम जो विकास है वो करेंगे अगर आप विधायक बनते हैं। बिल्कुल विकास होगा और विकास आप तो देख ही रहे हैं, 600 करोड़ का पैकेज मिला हमारे गोपालगंज जिला को, इतिहास में पहली बार 33 करोड़ का अभी बजट आया। सदर अस्पताल में 100 बेड का बनने जा रहा है अत्याधुनिक हॉस्पिटल, जो अभी शायद नॉर्थ बिहार में अभी नहीं है। तो काफ़ी यहां पर ध्यान दिए हैं हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी, और विकास की गंगा बहेगी यहाँ पर।
तो आपने सुना हमारे साथ मोहन प्रसाद गुप्ता है, महागठबंधन के उम्मीदवार हैं और इनका साफ कहना है कि तमाम जो जन समर्थन है वो मिल रहा है, गोपालगंज की जनता जो है वो महागठबंधन के कैंडिडेट यानी हमें जिताएगी। वहीं साफ लोगों का कहना है कि विकास जो है वो पूरा होगा, दवाई सिंचाई या फिर कमाई या फिर रोजगार, तमाम मुद्दा को लेकर जो है वो हम कार्य करेंगे। फिलहाल तमाम लोग जो है वो कहीं ना कहीं जन समर्थन पूरे तरीके से दे रहे मोहन कुमार गुप्ता को। क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना है, राजद से जो है गोपालगंज के कैंडिडेट है महागठबंधन की तरफ से, राजद कोटे से। फिलहाल और भी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। गोपालगंज से सहयोगी पंकज के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।